नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी इस नई योग सीरीज के अंदर। आज हम फिर से एक नया आसन लेके आए हैं जिसका नाम है वक्रासन। तो वक्र मीन्स के ट्विस्ट, तो ट्विस्ट हमको यहाँ पर क्या करना है कि आपका सिर से लेकर आपका जो वेस्ट वाला जो एरिया है उस लाइन को हमें ट्विस्टिंग करना है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि योगा प्रोटोकॉल के अंदर जो ये आसन हम शामिल किया है, जो हम 21st जो जून है हमारा वर्ल्ड योगा डे, वहाँ पर हम ये आसन करते हैं। हर साल ये आसन को किया जाता है योगा प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये आसन को किस तरह से करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, करने से आपको क्या नुकसान होगा अगर आप गलत तरीके से करेंगे, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये वक्रासन हमारी योगा सीरीज़ का 8वां आसन है। अगर आगे के वीडियोस आपको देखने हैं, आसन देखने हैं, तो ये मेरे अलग अलग लिंक के ऊपर आपको मेरे चैनल के अंदर दिख जाएंगे और उसी के साथ आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके फ्रेंड को भी बताइए कि ये आसन करने से ये फ़ायदे होते हैं और आप डेफिनेटली ये रोज़ करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी हेल्थ के ऊपर। वक्रासन, वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। अब अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक आराम से रहें। वक्रासन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन अग्नाशय यानी पैनक्रियास को उत्तेजित कर मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानी लिवर के लिए भी लाभकारी है। वक्रासन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यदि आपको गंभीर रूप से पीठ दर्द हो या रीढ़ संबंधित तकलीफ हो या स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो कृपया ये आसन ना करें। अगर आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी ये आसन ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस छोड़ते हुए अपने शरीर, सर और पैरों को सीधा करें और पुनः दंडासन की मुद्रा में आ जाएं। अब अपने दोनों हाथ पीछे रखते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद इस पूरे क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। नियमित रूप से वक्रासन करने से आपके पेट की चर्बी घटती है और आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर सकारात्मक असर होता है, जो आपको कब्ज मुक्त जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना पसंद करते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सारे लोग ये अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।